दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा नेपाल से जुड़ी ऐसी बातें जो मैं आपको इससे पहले की वीडियो में नहीं बता पाया था। यह बात आपको जरूर पता होगी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है वो नेपाल में स्थित है, लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि दुनिया के 10 में से 8 सबसे ऊंचे पर्वत भी नेपाल में ही स्थित हैं। हम आपको बता दें कि नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक शहर में ही लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था और नेपाल एकमात्र ऐसी जगह है जहां 20 किलोमीटर के अंदर 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित हैं। नेपाल पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है और यहां कोई बंदरगाह नहीं है और नेपाल देश का बॉर्डर दो देशों से मिलता है, इंडिया और चाइना से। आज जहां नेपाल के पड़ोसी देश इतनी तेजी से डेवलप्ड कर रहे हैं, वहीं नेपाल में आज भी औसतन 8 से 10 घंटे बिजली नहीं रहती और नेपाल में इंटरनेट स्पीड भी दुनिया में सबसे धीमी मानी जाती है। नेपाल की कुल जनसंख्या 2,70,00,000 है, जिसमें से लगभग 11,00,000 लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू में रहते हैं। नेपाल की कुल जनसंख्या में 81% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और यह दुनिया का एकमात्र हिंदू घोषित देश है। गोरखा सोल्जर नेपाल के बहुत ही बहादुर सोल्जर होते हैं और इनकी भर्ती इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में भी होती है, लेकिन आज गोरखा सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में सिर्फ 3400 ही बचे हैं, जबकि वर्ल्ड वार टू के दौरान इनकी संख्या 1,12,000 थी। आपको जान के हैरानी होगी कि नेपाल साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और कोई भी देश ने आज तक नेपाल पर अपनी हुकूमत नहीं की, इसी वजह से नेपाल का कोई स्वतंत्र दिवस नहीं होता। नेपाल में लगभग ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और आज भी नेपाल की आधी आबादी रोजाना भारतीय 70 रुपए से भी कम कमाती है। साल 2008 से पहले तक नेपाल एक राज शासित देश था, लेकिन 2008 के बाद नेपाल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया। नेपाल का कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर से 57 साल और 8.5 महीने आगे है, मतलब अगर इंग्लिश कैलेंडर में साल 2017 चल रहा है तो नेपाली कैलेंडर के हिसाब से 2074 साल होगा। किसी भारतीय को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में एक आईडी रखनी होती है। नेपाल में सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। नेपाल दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां का फ्लैग स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं है। नेपाल के निवासी चंद्र बहादुर दंगी दुनिया के सबसे छोटे इंसान हैं। इनकी लंबाई महज 54.6 सेंटीमीटर है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी नेपाल के नाम है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बनी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे।